बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अंबर और आप देख रहे हैं वज़ाइफ हेल्थ एंड ब्यूटी टिप। आज मैं आपको जल्दी से तैयार होने वाले सैंडविचेस की रेसिपी बताऊंगी, जो कि बहुत ही आसान है। जिसके लिए हमें चाहिए होगा ये चॉप टमाटर, प्याज, ज़ीरा, नमक, अजवाइन और ये सब्ज़ मिर्च और ब्रेड, अंडे और ऑर्गेनो। चले मैं आपको बताती हूँ कि झटपट सैंडविचेस और टेस्टी सैंडविचेस कैसे तैयार होते हैं। सबसे पहले हमें तीन अंडे लेने हैं। इनको हमने अच्छे से फेंट लेना है। तीन अंडे हमने डाल लेने हैं। अंडे हमने फेंट लिए हैं। अभी अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें हम डालेंगे नमक, अजवाइन, सब्ज मिर्च, हल्दी पाउडर, पिंच ऑफ हल्दी पाउडर होगा, सुरख मिर्च, या कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए ये ज़ीरा जाएगा इसमें। प्याज जाएगी चॉप्ड और साथ ही टमाटर भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको हम बीट कर लेंगे सही अच्छे से, ताकि ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो जाएं। बीट हो चुके हैं, सारी चीज़ें इसमें हल हो चुकी हैं। हमने ऑयल डालना है इसमें। हमने डाल देना है तवे पे। इसको हमने ऑमलेट की तरह पकने नहीं देना है, इसको साथ साथ हमने तोड़ते रहना है। ये देखिए, ये इसलिए हमने इसमें चम्मच चलाना है कि ये एक जगह सारा पक के जुड़ ना जाए। ये हमने साथ साथ इसको करते रहना है। इतना पकाना है कि ये, ताकि थोड़ा सा इसका पिंकिश कलर आ जाए। इसमें चम्मच साथ साथ चलाते रहना है ताकि ये जुड़ने ना पाए। ये देखिए, ये देखिए हमारा एक तैयार हो चुका है ये ऑमलेट। अब हम इसमें ऑरिगैनो डालेंगे। फ्लेम ऑफ कर दें। इसको अब मैंने बाउल में डालना है। सारा एक बाउल में डाल देंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि सैंडविचेस कैसे रेडी करने हैं। ये मैं ले रही हूँ कैचअप, ये होममेड कैचअप है, ये मैंने खुद बनाया है। इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं आपसे जल्द शेयर करूँगी। इसको अब हमने लगाना है ब्रेड पे। ये सारे पीसेस पे हमने लगा देनी है कैचअप को। कैचअप हमने इसी तरह ब्रेड पे लगा देना है। केचप हमने लगा दिया है। अब ये जो एग हमने रेडी किया था इसको हम डालेंगे ब्रेड पे।
जब हमने पीसेस लेके इस पे रख देने हैं। मैं मिल्की ब्रेड लेके आती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को ये पसंद है। अगर आप अपने लिए बनाना चाह रहे हैं तो आप प्लेन ब्रेड भी ला सकते हैं। मैं इसके कॉर्नर नहीं काट रही हूँ, इससे तो रिस्क भी ज़ाया होता है और मेरे बच्चों को यूँ ही पसंद है। अब इसको हमने तवे पे रखना है, इस पे ऑयल आपने ना होने के बराबर डालना है। इसको हल्की आंच पे तकरीबन 30-40 सेकंड के लिए एक तरफ से थकने देना है। फिर हम इसको एक साइड से तकरीबन 30-40 सेकंड के लिए पकने देना है। फिर हमने इसको पलटाना है, इसको साथ साथ थोड़ा थोड़ा प्रेस भी करना है आपने, थोड़ा थोड़ा इसको प्रेस करते रहना है। अब हमने इसकी साइड पलट दी है, ये देखिए, ये देखिए बहुत ही प्यारा कलर इसका आया है। ये खाने में भी ऐसे ही मज़ेदार और टेस्टी होते हैं, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। मैं सैंडविच मेकर में भी बनाती हूँ लेकिन उनको ज़्यादा ऐसे ही पसंद है। कोशिश होती है कि जैसा बच्चों को ब्रेकफास्ट पसंद है मैं वैसे ही बनाऊँ। अब हम इसको उतार देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे सैंडविचेस तैयार हो चुके हैं। मेरे बच्चों का ये ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। ये मायो सॉस है, ये भी होममेड है। इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं जल्द आपसे शेयर करूंगी। तकरीबन 5-6 मिनट में हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हुआ है। ये ब्रेकफास्ट सिर्फ बच्चों के लिए है, मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए नहीं है। मैंने आपको बताया था जौ और बेसन की रोटी हम वो खाते हैं बना के, एक दिन वो खा लेते हैं, एक दिन अंडे बॉयल करके हम लोग खा लेते हैं। तो हमारा तो ब्रेकफास्ट वो हो गया और ये मेरे बच्चों का ब्रेकफास्ट। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर आपने बतानी है। सैंडविचेस का आपने ट्राई करना है और बताना है ये कैसे हैं। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।